गणपते नमः। जय श्री खाटू श्याम महाराज की, हारे के सहारे की जय। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खाटू श्याम जी के बारे में तो हम में से अधिकांश लोग जानते ही हैं। उन्हीं खाटू श्याम जी की कथा को मैं कह रही हूँ। उनकी कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम बात करते हैं खाटू श्याम जी की कथा क्या है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण जी ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम जी की कथा को अगर हम संक्षेप में जाने तो लाक्षाग्रह की घटना में प्राण बचाकर जब वन पांडव भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात हिडिम्बा नाम की एक राक्षसी से होती है। हिडिम्बा भीम पर मोहित हो जाती हैं। वह भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तब माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिम्बा का विवाह होता है और उनके घटोत्कच नाम से एक पुत्र का जन्म होता है। उन्हीं घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं, जो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। बर्बरीक देवी के बहुत बड़े उपासक थे। देवी से ही वरदान में उन्होंने 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे, जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस लौट आते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरीक अजय हो गए। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने की इच्छा से कुरुक्षेत्र में जाना चाहते थे। वह स्वयं भी युद्ध में भाग लेना चाहते थे। तब उन्होंने अपनी माता के सामने अपनी यह इच्छा प्रकट करी। उनकी माता ने उन्हें कहा कि कौरव हों या पांडव हों, दोनों ही अपने हैं। इसीलिए पुत्र, जो भी तुम्हें युद्ध में परास्त होता हुआ दिखाई दे, तुम उसी की तरफ से युद्ध करना। तब बर्बरीक अपनी माता को यह वचन देकर वहाँ से चले जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान यह जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण जी एक गरीब ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के सामने आते हैं। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। तब बर्बरीक उन्हें बताते हैं कि वह एक दानी योद्धा हैं और पांडुपुत्र भीम के पौत्र हैं और वह भी इस युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। बर्बरीक उन्हें यह भी बताते हैं कि उनके पास 3 अमोघ बाण हैं, जिनसे वो महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा कि तुम अपना एक बाण चलाओ, जिससे इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेदित हो जाएं, इन सभी पत्तों में छेद हो जाएं। बर्बरीक ने अपना एक बाण चलाया, जिससे सारे पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तब बाण श्री कृष्ण जी के पैर के ऊपर आकर ठहर गया। श्री कृष्ण भगवान बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उस युद्ध में भाग लेने से उसे रोकना चाहते थे। बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर को छेदित कर देगा। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े ही पराक्रमी हो और बहुत बड़े दानी भी हो, तो क्या मुझ गरीब को तुम कुछ भी दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब उस ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक यह बात समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। श्री कृष्ण जी ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपने शीश का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके
अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण जी को दान कर दिया। शीश के दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की थी, इसीलिए श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध का अवलोकन करने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए आपस में वाद विवाद कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश कर सकता है, क्योंकि उसने तो पूरा युद्ध देखा है। सभी लोग एकत्रित होकर बर्बरीक के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन है। अब बर्बरीक के शीश ने बताया कि इस युद्ध में मुझे तो एक ही योद्धा नजर आया और वह श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र ही था। उसने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर बर्बरीक की उस कटे हुए सर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी, और जो भी भक्त तुम्हारे दर पर आएंगे उनका भाग्य भी बदल जाएगा। कहा जाता है कि वैसे तो किसी का भाग्य नहीं बदलता, जो जिसके भाग्य में होता है वही उसे मिलता है, परंतु बर्बरीक को जब यह वरदान मिला था तब उन्हें यह वरदान भी साथ में ही मिला था कि जो भी सच्चे मन से उनके दर पर आकर अपना शीश नवाएंगे तो उनका भाग्य भी बदल जाएगा, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण जी विराट शालिग्राम रूप में खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। हर साल खाटू श्याम में मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष होली के समय खाटू श्याम जी में मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा लखदातार, खाटू श्याम जी गोविंद नंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम जी को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी के मेले का एक प्रमुख आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े बड़े घरानों से लोग आम आदमी की तरह यहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं और ऐसा करके वह अपने लिए पुण्य अर्जित करते हैं। भक्तों की इस मंदिर में बहुत आस्था है। उनकी यही आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं और भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा कभी खाली नहीं रखते हैं। श्री कृष्ण जी के वरदान की वजह से ही खाटू श्याम जी हारे के सहारे के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी पैदल निशान यात्रा करके श्याम बाबा को निशान चढ़ाने से बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सनातन संस्कृति में वैसे भी ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है। श्री श्याम बाबा के महाबलिदान और शीश के दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है। तो यह तो थी श्याम बाबा की एक संक्षिप्त कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। खाटू श्याम बाबा की जय।